वाह, लगता है आज कोई बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। जयप्रकाश जी, अब क्या बात है, आज घर में बड़ी धूम है, कौन सी पूजा हो रही है? बेटा, पूजा में बैठने से पहले ठीक से शुद्धि कर लेना। क्या? देखा जयप्रकाश जी, अगर देवी मैया चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। एक नास्तिक भी पूजा में बैठ रहे। छोटे, छोटे तस्वीर पे माला लगा दो। पंडित जी, परसी के हवन की बाकी की सामग्री की व्यवस्था हम अभी कर रहे हैं। हमें पता नहीं था कि क्या। ओके, माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके अम्मा बापूजी वो तस्वीर देख के की आंखें बिल्कुल आपकी अम्मा की तरह है। यहां से जाओ प्लीज। हम समझ सकते कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा है। क्या समझ सकती हो तुम, बोलो क्या समझ सकती हो? पता है कैसा लगता है जब अपने हाथों से अपनी मां को अग्नि देते, कैसा लगता है जब अपने मां बाप को जलाकर घर वापस आते, कैसा लगता है जब उस घर में फिर से कदम रखते हैं जहां वो वापस कभी नहीं आएंगे, कैसा लगता है जब सब कहते हैं कि वो समझते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं समझता। ये दोबारा मेरे सामने आकर कभी हिम्मत कहना कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। अपने आंसू मुझ पर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये सादगी नानी पे काम करती है, मुझ पर नहीं। ये मत समझना कि मेरे साथ सिंपथाइज करने से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नाउ गेट आउट। खुशी बिटिया,
नानी जी हम तो लाइए नानी जी। लागत है मनोरमा गंगा जल भुलाई गई है, आप जरा मंदिर में जाके थोड़ा एमा भर के ले आएंगे? हमका थोड़ा पंडित जी से पूजा के बारे में बात करनी है। कौनो बात है का खुशी बिटिया? नहीं नानी जी, हम लाते। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था ना। वो नानी जी ने श्राद्ध की तैयारी सिर्फ घर वाले करते हैं, और मैंने तुमसे अभी कहा था ना, झूठी तसल्ली देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़े ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नानी के सामने सेल्फलेस बनने के तुम्हें और बहुत मौके मिलेंगे, पर नॉट टुडे। Get out. खुशी जी, आप कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं बरसी के ये माहौल को देख के आपका जी तो नहीं घबरा रहा? अपने अमर बाबू जी की याद आ रही है? और कर भी क्या सकते हैं अंजलि जी, जो गुजर जाते हम उन्हें कितना भी बुला लें वो वापस नहीं आते, सिर्फ उनकी याद आती। याद और उनका हमारे सर पे हाल, बस यही तो रह जाता है। आपको पता है हमारी मम्मा कहती थी, अगर रोना है ना तो दिल खोल के रो देना चाहिए, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं होता। आंसू बह जाए ना तो मन हल्का हो जाता है। माफ कीजिए अंजलि जी, हमने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया, आपको देर हो रही होगी, आप जाइए। आप ठीक है ना? थोड़ा मन हल्का हुआ? अभी आते हैं।